कुमाऊं के श्री स्वर्गीय खुशीराम की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। खुशीराम पार्क नैनीताल रोड में हुए आयोजन में वक्ताओं ने उनके जीवन परिचय और संघर्ष पर चर्चा करते हुए कहा, उनके समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि इस समय समाज को एक करने की जरूरत है। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों से मिलकर समाज बनता है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो समाज, धर्म, जाति को तोड़ने का काम करते हैं। स्वर्गीय खुशीराम ने समाज के हित और उन्नति के लिए जो काम किए वह सराहनीय है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद ने कहा, समाज को मजबूती तभी प्रदान होगी जब सब मिलकर अपनी अपनी भूमिका अदा करें। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट है। हमारे यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति थी, बड़ी दुखी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में लाला लाजपत राय जी ने हमें 1913 में यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। खुशीराम जी ने वो बेला हाथ में लिया, जो हम प्रचार प्रसार करके उन्होंने इस पूरे उत्तराखंड को यज्ञोपवीत पहनाया था और जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी। आज कुमाऊं केसरी डॉक्टर खुशीराम आर्य जी की 137वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिसमें बाहर से आए हुए कई कलाकारों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। बस हमें यही मैसेज देना चाहती हूँ इसके जरिए, जैसे खुशीराम जी ने दलित के कुमाऊं केसरी स्वर्गीय खुशीराम जी की 137वीं जयंती मनाई जा रही है, तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। और उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है उसको हम याद कर रहे हैं। उन्होंने जो समाज के हित के लिए, चाहे वो शिल्पकार समाज हो, चाहे वो